आपको ये सीधी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। यह अब तक के जो ये इस सावन का ये सबसे लंबा ये कांवर है, 108 फीट लंबा कांवर है और आप देख सकते हैं कि 50 से ज़्यादा व्यक्ति इसको लेकर चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिकर और यह आप कच्ची कांवरिया पथ से सीधी तस्वीर देख रहे हैं। अभी तक का सबसे लंबा यह कांवर यात्रा है, कांवर है जिस जो कितने लंबा कांवर है? 108 फीट कांवर है। कहाँ से आए बम जी? पटना जोगीपुर कंकड़बाग। जोगीपुर कंकड़बाग से आए हैं। क्यों इतना लंबा कांवर बना के चलने का, क्या कहाँ से आपको कहाँ से इच्छा हुआ? बाबा का विश्वास के लिए बाबा के पट्टी कैसा करना पड़ेगा कि बाबा इसको खुश रहे, पर परिवार सारे मोहल्ले वासी के लिए खुश रहे। अनूठा कांवर है, 2 वर्षों के बाद जा रहे हैं इसलिए कुछ अनूठा करने का। जी 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 बम जी, ऐसा सोचा पड़ा। क्या सोच के साथ निकले हैं यात्रा पर? बाबा को बस जल चढ़ाने की यात्रा। बाबा आज कितना, यानी इसमें टोटल 50 आदमी के मदद से बना ये कांवर। 50 आदमी के मदद से। वजन कितना? वजन तो होगा मैम 100 किलो से ऊपर ही होगा बाबू जी। और कब लेकर गंगा जल भरकर निकले हैं सुल्तानगंज से? 1 तारीख को बंद है, यानी कल निकले हैं। कब तक जल लेकर आइए बंद है? क्या नाम हुआ बम जी? रंजीत बम नाम हुआ, जोगीपुर पटना से है। कब तक जल चढ़ाइएगा? उम्मीद है कि कल दोपहर तक जल चढ़ा देना है बाबा को। कितने लोगों का आप लोगों का? 60 लोग हैं, 50-60 लोग हैं। सभी की एकता से हम लोग बाबा धाम जा रहे हैं। बाबा पर कितना आस्था है? बाबा पर पूरा आस्था है। बाबा पर इतना आस्था है कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग का इसमें दर्शाया है और 12 ज्योतिर्लिंग घूमना है। तो इस तरह हम आपको यह सीधी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। यह अब तक के जो ये इस सावन का ये सबसे लंबा ये कांवर है, 108 फीट लंबा कांवर है और आप देख सकते हैं कि 50 से ज़्यादा व्यक्ति इसको लेकर चल रहे हैं। और भोलेनाथ के प्रति आस्था ऐसी है, इन लोगों का विश्वास है कि भोलेनाथ जो पिछले 2 वर्षों में कोरोना के संक्रमण काल के कारण जो पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी का असर हुआ था, वो भोलेनाथ समाप्त करेंगे और पूरे देश में खुशहाली आएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज़, कांवरिया पथ।